वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। एंड वीडियो की ओर जाने से पहले, अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक दे दे। So, ये वीडियो है इंडिया वेब न्यूज से एंड ये वीडियो का टाइटल है क्वाड में अमेरिका की चाइना को धमकी, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट नेशनल। सो क्या धमकी मिली है क्वाड में वो तो ये वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। जब भी आपको बुरा लगे, आपको लगे यार आपकी जिंदगी ठीक नहीं है, ठीक है घर वाले बात नहीं मान रहे, घर में टिक टिक किचकिच हो रही है, लोन पूरे नहीं हो रहे, ईएमआई बहुत ज्यादा हो गई है, तनख्वाह कम है, ठीक है बॉस ने डांट दिया, घर में बीवी से लड़ाई हो गई, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या फिर पति से आपकी लड़ाई हो गई, किसी से बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी बिल्कुल नरक हो रखी है, उस समय पाकिस्तान टीवी देखिएगा। और मेरी गारंटी है अगर आप खुश नहीं हो गए और आपको अपने ऊपर आपको गर्व नहीं, घमंड हो जाएगा सीधा। पहली बार बोर्ड में बड़ी सख्त बात कर दी जो बाइडेन ने, ये बोला कि साहब अगर चाइना वो हरकत करता है ताइवान के साथ जो रशिया ने करी है यूक्रेन के साथ, तो फिर यूएस जवाब देगा उसको मिलिटरली, यानी कि यूएस भी अपनी फौजें उतार देगा। तो चाइना अपसेट हो गया, जाहिर सी बात है। अब बात यह हो रही है कि जापान कह रहा है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि चीन जो है वो साउथ चाइना सी से आगे निकल के जापान के आइलैंड्स के बीच में घुसता है, एयर स्पेस वायलेट करता है, जमीन छीनने की कोशिश करता है, जैसे कि चीन की आदत है, चीन हर जगह कोशिश करता है। सिर्फ वो एक मुल्क है, एक देश है, उसके आसपास जो उसका बॉर्डर या मैरिटाइम बॉर्डर या उसके एरिया जिसको कहते हैं चाइना के, जहां पे चाइना ज्यादा एक्टिव है, वहां पे उसने जमीन छीनने की कोशिश नहीं करी। वो मुल्क है पाकिस्तान, वहां पे उसने छीनने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसे थाल में उसको पकड़ा दी, तो कोशिश क्या करता चाइना, तो वो तो एक डन सी बात है। खैर जो बाइडेन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया दोस्तों, जो बाइडेन ने बोला कि अगर मैली आंख से देखा ताइवान को तो फिर हम डंड बजा देंगे तुम्हारा चीन का। पाकिस्तान कैसे पीछे रहता, चीन ने जवाब दिया नहीं दिया। बिलावल भुट्टो का भी बयान आ गया कि चीन के ऊपर कोई भी अटैक जो होगा चाइना के ऊपर, वो समझा जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक है। ये हर समय ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तानी कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप रोएं या हंसें, छाती पीटें, सर पीटें, क्या करें। एनी अटैक ऑन चाइना है ना इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। मैं अक्सर ये पूछता हूँ पाकिस्तानियों से कि भैया तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है, ये बताओ वो सोर्स क्या है, स्रोत क्या है कॉन्फिडेंस का, कि तुम इतनी जबरदस्त तरीके से तुम एक चीज हांकते हो अपने लोगों को और तुम्हारी पूरी कौम 24-25 करोड़ की उसको निगल भी लेती है। तो ये कहानी है इसकी। क्या करोगे भाई बिलावल, अटैक कर दोगे अमरीका के ऊपर? क्या अटैक करना चाहते हो? एनी अटैक ऑन चाइना विल बी एन अटैक ऑन पाकिस्तान। If you attack China, Pakistan will surrender. Maximum यही होगा और क्या होगा? लड़ने वड़ने हो नहीं तुम, ना तुम्हारी लड़ने की औकात है। जब भी आपको बुरा लगे, आपको लगे यार आपकी जिंदगी ठीक नहीं है, ठीक है घर वाले बात नहीं मान रहे, घर में टिक टिक किचकिच हो रही है, लोन पूरे नहीं हो रहे, ईएमआई बहुत ज्यादा हो गई है, तनख्वाह कम है, ठीक है बॉस ने डांट दिया, घर में बीवी से लड़ाई हो गई, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या फिर पति से आपकी लड़ाई हो गई, किसी से बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी बिल्कुल नरक हो रखी है, उस समय पाकिस्तान टीवी देखिएगा। और मेरी गारंटी है अगर आप खुश नहीं हो गए और आपको अपने ऊपर आपको गर्व नहीं, घमंड हो जाएगा सीधा। गर्व तो लोअर लेवल पे, आपको डायरेक्टली घमंड हो जाएगा, न्यूट्रल गियर से या रिवर्स गियर से आप डायरेक्टली सिक्स्थ गियर पे चले जाएंगे, क्योंकि इनकी छाती पीटे की आदत आज तक नहीं। अब देखिए हम क्यों भारत से पीछे रह गए, हमारा तो $10 बिलियन का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसमें $8 बिलियन तो हम खर्च भी नहीं कर सकते, भारत का देखिए 600 बिलियन से ऊपर का है, हाय 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 हाय, छाती पीट पीट के इन्होंने दिमाग खराब कर दिया।
पाकिस्तानियों ने। खैर मैंने सोचा था आज, मैं मन बना के लाया था कि यार मैं क्वाड के ऊपर बात करूंगा, जैसे मैं कह रहा था ना आपसे, मैं क्वाड के ऊपर बात करूंगा। और मैंने मन बना लिया था कि आज के वीडियो में, क्योंकि मैं बाहर हूं, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड अलग है, मैं बाहर हूं, तो मैंने मन बना लिया था यार, मैंने बोला कि नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं करना, हम लोग पाकिस्तान की तरफ जाएंगे ही नहीं आज, आज क्वाड के ऊपर बात, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं मेजर साहब आप पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, थोड़ा चाइना के ऊपर आइए, कभी कुछ बताइए, कोई जिहादी एलिमेंट्स के ऊपर बात करिए, कोई किसी और के ऊपर बात करिए, क्या डेली डेली पाकिस्तान, मैं बता रहा हूँ इसके पीछे कहानी, मुझे पक्का विश्वास है। जब दुनिया से जा रहा था जिन्ना, मैंने पिछले वीडियो पे भी बोला था, ये बोल कर गया था पाकिस्तानियों को कि मेले में बिछड़ा भाई है तुम्हारा मेजर, इसको कभी कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। तो चाहे रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन, ये दोनों मिलकर मुझे रोज कंटेंट देते हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था दोस्तों, विश्वास करिए मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं आज पाकिस्तान के बारे में बात करूं। मेरा पूरा मैंने तैयारी कर ली थी कि मैं टेलीविजन पे भी मैंने फोन दिया था और मैंने पक्का मन बना लिया था कि मैं तो बात करूंगा, तो मैं बात करूंगा क्वाड के बारे में। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज गॉन, क्वाड की मीटिंग है, बहुत बड़ी खबर है, लेट्स फोकस ऑन क्वाड। नहीं, इनको पता लग गया किसी तरीके से, नंबर वन जो एजेंसी है वर्ल्ड की ISI उसके थ्रू, भैया मेजर तो इसी के ऊपर वीडियो बनाएगा। तो राणा सनाउल्लाह जो होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसको इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, उसने बोला कि साहब धारा 144, हमारे यहाँ भी धारा 144 है, आपको पता होगी, फिर फाइव और मोर पीपल कैनॉट गैदर, तो वहां पर पूरी लगा दी है और ये बोल दिया गया कि फौज को निकालो सड़कों पे। जिस तरीके से क्वाड की मीटिंग में बैठ के जो बाइडेन ने कहा, कशीदा बगल में बैठे थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर वो बगल में बैठे थे, उनके सामने ये कह दिया कि साहब अगर तुमने करा ताइवान पे हमला, चाइना को बोला, तो फिर देखना इसका जवाब मिलेगा। तो बेसिकली क्वाड के प्लेटफॉर्म को एक हथियार की तरह प्रोजेक्ट कर दिया जो बाइडेन ने, और इंडिया इससे अछूता नहीं रह सकता। इंडिया चाहे जितना भी बोले कि क्वाड वैक्सीन देने के लिए है, लोन देने के लिए है, और इसके अलावा भी अमेरिका ने बोला है कि $50 अरब का जो भी चाइना के डेट डिप्लोमेसी, यानी कि जो कर्जों वाली जो डिप्लोमेसी है चाइना की, उसमें जो मुल्क फंसे हैं उनको निकालने के लिए हम ये पैसा इस्तेमाल करें, अगर उनको चाहिए लोन्स तो हमसे ले सकते हैं आसान शर्तों पर, जैसे चीन है भेड़िया टाइप के, है ना, चीनी भेड़िया टाइप के की आपसे पैसे लिए तो सब कुछ। आपने वो मदर इंडिया का नहीं देखा सुखी लाला, याद है किसी ने, आपने मदर इंडिया फिल्म देखी होगी सुखी लाला, ये चाइना इज एग्जैक्टली लाइक सुखी लाला, तो बिल्कुल कैरेक्टर उसका ऐसे सुखी लाला टाइप, तो कि मतलब कि यू नो कि बस राधा रानी आ गई पकड़ में तो फिर छोड़ना मत, इज लाइक दैट। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा एपिसोड, और मैं फिर देखता हूँ इस क्वाड वाले मामले को मैं फॉलो अप करूंगा, और एक पाकिस्तान वाले मामले को मैं फॉलो अप करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके लिए जल्दी से एक नया वीडियो एक और लेकर आऊं कि आप उस वीडियो को देखें, यू नो न्यूज़ के पीछे क्या चल रहा है, जरा मैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग दे पाऊं, ये जो इसके प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं ना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये लोग ऐसा जो करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इमरान खान ऐसा क्यों कर रहा है, इमरान खान इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अभी तक किसी ने रोका नहीं है, तो खुले सांड की तरह घूम रहा है वो, राइट, वो खुले सांड की तरह घूम रहा है, लेकिन जिस तरह आप इमरान खान को रोक दोगे ना, रुक जाएगा, ये बात राणा सनाउल्लाह को पता है। अब उसके कितने हाथ खोलती है सरकार कि बेटा तू अपना गेम खेल ले, जिस दिन राणा सनाउल्लाह ने अपना गेम खेला, इमरान के बर्गर पेप्सी कोल्ड कॉफी वाली जितनी भी क्राउड है इसके साथ सब गायब हो जाएगी, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू स्ट्रीट लेवल वायलेंस। पीटीआई वाले ट्विटर के चैंपियन है, एक एक पीटीआई वाले ने जो इनके बच्चे हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, 10-10 फेक ट्विटर अकाउंट खोल के उससे ट्वीट करते हैं, पीटीआई की ये ताकत, पीटीआई की पूरी कश्मीर पॉलिसी ट्विटर पे है, पीटीआई की सरकार ट्विटर पे है, पृथ्वी सॉ ट्विटर, ग्राउंड पे उनका कुछ नहीं है। ये जो राणा सनाउल्लाह और ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले हैं, इनका जो जमीन पे पकड़ है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, आप उनको नहीं काट सकते जो इनकी जमीन पे इनके जो कारकुन हैं, इनके जो वर्कर्स हैं उनकी पकड़, तो अगर क्लैश होता है तो फिर पूरा क्लैश होगा, पूरा क्लैश होगा, पर मुझे फिर भी उम्मीद है कि रात को कुछ ना कुछ ये लोग वर्कआउट कर देंगे कल तक। गाइस ये सर ने तो काफी अच्छे से कहा कि अगर लाइफ में कभी भी कोई परेशानी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो, किसी भी तरह का मन मुटाव हो या मन उदास हो, तो जरूर से पाक मीडिया देख ले, और एंटरटेनमेंट पैकेज से फुल ऑन भरा पड़ा
किया है एंड ये बहुत सही बात कहा है हमारे मेजर साहब ने कि अगर आप सब पाकिस्तान मीडिया देख लेते हैं, पाकिस्तान न्यूज देख लेते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप देख लेते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, तो एकदम यार बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है अपने ऊपर एंड साथ ही अपने देश के ऊपर कि यार सही जगह पैदा हुए हैं यार हम सब. एंड रहा बात कंटेंट का, तो आज का वीडियो से तो पता चल ही गया हम सबको, जिस तरीके से गौरव सर ने कहा कि उनके पास कंटेंट की कमी एकदम नहीं होती है, चाहे सरकार कितनी बार ही क्यों ना बदल जाए पाकिस्तान कभी मौका नहीं छोड़ता है उनको कंटेंट देने के लिए एंड उनके साथ साथ हम सबको भी कंटेंट देने के लिए यार. फुल ऑन कंटेंट से भरा पड़ा है, टॉपिक से भरा पड़ा है. एंड रहा बात क्वाड का, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है अमेरिका की तरफ से कि अगर ताइवान के ऊपर हमला होता है तो वो चाइना को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं एंड चाइना को पता चल ही जाएगा उसके बाद क्या हालत होने वाली है उसकी, वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, फिलहाल तो ऐसा कुछ होने से रहा. एंड मीटिंग में और भी बहुत कुछ हुए हैं जो चीज इस वीडियो में तो फिलहाल बताया नहीं गया है, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के टॉपिक्स को कवर अप किया गया क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कंटेंट है एंड एंटरटेनमेंट है. सो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले. और साथ ही अगर आप सबके पास कोई रिव्यू होगा या कुछ वीडियो सजेशन होगा तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले. मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.